स्वच्छता अभियान के तहत खुले में शौच को लेकर जहां तरह तरह के अभियान वह करोड़ों रुपए खर्च कर रही है सरकार शौचालय बनाने पर और गरीबों को शौचालय बना कर दे रही है, वहीं फूलपुर तहसील गेट के बगल में सुलभ शौचालय स्वच्छता अभियान की खुलेआम धज्जियां उड़ाता नजर आ रहा है। खुले में शौच से मुक्ति दिलाने के लिए एक तरफ सरकार द्वारा अनेकों प्रयास किए जा रहे हैं, देश के कई करोड़ लोगों के घरों में शौचालय का निर्माण करवाया गया ताकि लोग खुले में शौच न करें और होने वाली इस गंदगी से फैलने वाली बीमारी से बच सकें। उस पर सरकार ने स्वच्छता अभियान के तहत स्कूलों, कॉलेजों, ट्रेनों में होर्डिंग, साइन बोर्ड पर बड़ी बड़ी कस्में और गंदगी करने पर जुर्माना लगा रखा है सरकार ने, पर सरकार का प्रयास सिर्फ कागजों में ही नजर आता है, धरातल पर कुछ भी नहीं दिखता, जिसकी सच्चाई बयां कर रहा है फूलपुर तहसील गेट के ठीक बगल में बना ये वर्षों पुराना डूडा द्वारा एक सुलभ शौचालय जो देख रेख के अभाव के कारण खंडहर में तब्दील हो चुका है, कोई इसकी सुध लेने वाला नहीं, जबकि इसी के बगल से होकर उप जिला अधिकारी गुजरते हैं अपने आवास के लिए, ऐसा भी नहीं है कि उनकी नजर इस शौचालय पर नहीं पड़ती हो, उसके बावजूद भी ये हाल है जिसके कारण आने वाले राहगीरों के साथ आसपास के लोग खुले में शौच करने पर मजबूर हैं। पीएलए न्यूज के लिए फूलपुर से इजहार आजमी की रिपोर्ट।